hello everyone so good afternoon and welcome back to the session and i welcome you all to the youtube channel of ugc net jrf at baidu's exam prep and this is toshiba shukla your paper one faculty at baidu so quickly keep on joining jaldi say jaiye jaldi yes in fact we are meeting after a यू नो अलग अलग लॉन्ग टाइम दिस टाइम बिकॉज दिसम्बर मंथ है द क्लासेज आर लेस आई मीन आई कम ऑन एवरी मंडे एंड वेंसडे एट ट्वेल्व ऑन यूट्यूब तो थोड़ा सा हफ्ते में दो दिन ही हम मिलते हैं तो so, इसलिए प्लीज़ इसको मिस मत करिएगा जल्दी से आ जाइएगा टुडे इज वेंडे वी आर मीटिंग एंड टूडे विल भी डिस्कसिंग हंड्रेड परसेंट श्योर क्वेश्चन इन आई सी टी एज एन आई सी टी जो आपका एक पेपर वन का बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा सब्जेक्ट है क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत आसान होते हैं ट्रस्ट में लगता है डिफिकल्ट है बिकॉज कम्प्यूटर्स बट यू कैन एक्चुअली मेक श्योर दैट आपके आई सी टी के सारे क्वेश्चन सही हों दे आर द टॉपिक्स आर एक्चुअली सो कंसाइज और उसी में से ही पूछा जाता है तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे अभी तक जितना भी पूछा गया है आई मीन वी हैव द वैराइटी ऑफ क्वेश्चन लाइक कुछ क्वेश्चन मेमरी से आए हैं कुछ क्वेश्चन प्रोबेबली इनपुट आउटपुट डिवाइस से आए हैं कुछ नंबर सिस्टम से भी आए हैं कुछ समथिंग रिलेटेड टू द मोस्ट करंट हैपनिंग्स इन कंप्यूटर्स लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स वर्चुअल रियालिटी इससे हम क्वेश्चन सोल्व तो, करेंगे तो आई विल बी सॉल्विंग अराउंड ट्वेंटी ऑट क्वेश्चन इन दिस क्लास हम कोशिश करेंगे क्लास फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स में खत्म हो जाए ठीक है सो लेट मी सी हु ऑल आर हेयर हाय भारती हाय ज्योति हाय फरहान राधा कनीज एनी प्रतिभा फनी हेलो राधा हाय साहिबा हेलो पूजा राज लक्ष्मी सुप्रिया उपाध्याय सो जिन जो बच्चों के एग्जाम अभी नहीं हुए हैं जो परेशान है कि मैम एग्जाम मैम तारीख पे तारीख पे तारीख कोई बात नहीं जैसे ही वो फाइनल तारीख आएगी और जब सुनवाई होगी तो बिल्कुल आपका एग्जाम अच्छा जाएगा तब तक तो कोशिश करिए उस तारीख के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए डो नॉट गेट रेस्टलेस डो नॉट गेट एनशियस बिकॉज ऑफ द चेंज इन डेट्स फाइन ऑफ कोर्स इट्स लिटिल यू नो इरिटेटिंग बट ठीक है आपने तैयारी कर ली है बाकी बच्चों को एग्जाम हो गया है आपका भी होगा दिस इज अ टेलीग्राम चैनल पेपर वन बाय तोशिबा गुलशन एंड सर डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जो कि आप हमेशा करते हो चलो सो so, uh, जल्दी से एक कोट देखते हैं क्या है वर्क आंटिल यू नो लॉन्गर हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ काफ़ी गहरी बात कह गए हैं यहाँ पर ठीक है मैं थोड़ा सा चली जाती हूँ क्योंकि शायद आपको दिख नहीं रहा होगा ओके सो वर्क आंटिल यू नो लॉन्गर हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मतलब जब तक काम करो जब तक मेहनत करो जब तक मेहनत करो जब तक आपको अपने आप का इंट्रोडक्शन ना देना पड़े आप कहीं जाओ तो आपको बताना ना पड़े कि देखो भाई हम ये हैं मतलब लोगों को दूर से ही पता चल जाए लोगों को पता चल जाए अच्छा ये आप हैं तो आपकी शख्सियत ऐसी है कि येस यू हैव मेड अ नेम फॉर योर और इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में पूरे देश में ठीक है उसमें नहीं तो एटलीस्ट जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं ठीक है प्रोबेबली इवन इफ यू आर अ प्रोफेसर और प्रोबेबली यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ रिसर्च यू शुड बी डूइंग दैट थिंग सो वेल कि आप जब भी जाएं अपनी कम्युनिटी में या अमंग योर यू नो पियर्स तो आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत ना पड़े आपके काम से ही आपको पहचाना जाए ठीक है सो so, कोशिश करना इस चीज को हमेशा याद रखने की अपना इंट्रोडक्शन ना देना पड़े है ना आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल टी डे ठीक है दिसंबर फिफ्टींथ आज क्या है आज पंद्रह दिसंबर है तो नेशनल टी डे भी होता है इंटरनेशनल टी डे भी होता है जैसे कि नेशनल मिल्क डे होता है इंटरनेशनल मिल्क डे भी होता है ना नेशनल हम कोरियन के बर्थडे पे बनाते हैं 26 नवंबर आज हम इंटरनेशनल टी डे मना रहे हैं एक और होता है टी डे जो कि मई में, में बनाया जाता है जब राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी राइट इक्कीस मई को वो दूसरा टी डे है दिस वन इज अनदर टी डे एंड टी अगर मैं टी की बात करूँ आई एम श्योर आप लोग में से बहुत लोग चाय शौकीन चाय प्रेमी लोग होंगे है ना हम लोगों का चाय के बिना गुजारा नहीं होता स्पेशली मैं अपनी बात करूँ तो बिल्कुल चाय तो भाई लगती ही है और अगर घर में चाय बनती है तो ऐसा बोला गया है कि पूछा नहीं करिए आप चाय बनेगी मतलब एक कप हमारे लिए भी बनेगी है ना एंड यू कैन हैव ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीज़ बट अगर जो सच्चा चाय प्रेमी है उसके लिए चाय का कलर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है नहीं अगर चाय का कलर ऐसा सफ़ेद सा है एकदम अजीब सा है तो चाय समझ में आ जाएगी चाय अच्छी नहीं है सो आई होप यू ऑल आर टी लवर्स एंड अ वेरी हैप्पी टी डे टू ऑल और सबसे इम्पोर्टेंट मैं भारत में बात करूँ भारत में आ, टी जो है सबसे ज्यादा आसाम स्टेट प्रोड्यूस करता है इंडिया में बात करूं तो इंडिया में दो जीआई टैग्स मिले हैं टी को प्लीज़ इसको भी याद रखना इंडिया Have got two GI tags. GI, आपको पता होगा ज्योग्राफिकल इंडिकेटर हमें दो आ, जी आई टैग मिले हैं टी में आ, कौन कौन से जी आई हैं एक है एक जो मिला है वो मिला है दार्जिलिंग चाय को आपको पता है दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है आ, दूसरा जो दूसरा जी आई टैग मिला है कोई मुझे बताएगा एक तो दार्जिलिंग चाय को मिला है दूसरा जी टैग कौन सी चाय को मिला है एनी वन एनी वन

कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की जो टी है उसको भी जीआई टैग मिला है फाइन ऑल्सो द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड टी इन इंडिया इज रॉबर्ट ब्रूस रॉबर्ट ब्रूस ने टी को भारत में इंट्रोड्यूस किया था पहली बार ठीक है सो ये कुछ फैक्ट्स हैं चाय को लेकर ऑफ कोर्स सो द डे इज इंपॉर्टेंट यू शुड बी नोइंग द पर्सन हु इंट्रोड्यूस टी और आपको एक चीज़ और पता होगी कि आसाम में सबसे महंगी चाय मिलती है द मोस्ट एक्सपेंसिव चाय मतलब उसका जो रेट है वो सेवेंटी थाउजेंड एट्टी थाउजेंड पर के जी तक जाता है प्लीज उसका नाम मुझे जरूर लिख के बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में उस चाय की नीलामी होती है आसाम में ठीक है सो फ्यू थिंग्स फ्यू थिंग्स दैट यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस डे ओके दिस इज द कोड दैट यू कैन यूज

हाँ बिल्कुल आप आसाम से और आपको पता ही नहीं था बिल्कुल और उस चाय का नाम भी बहुत ही स्पेशल सा है तो प्लीज़ पता करिएगा ये महंगी चाय कौन सी है ठीक है मनोहारी एग्जैक्टली एग्जैक्टली सो आई गॉट द आंसर वन ऑफ यू ऑलरेडी गेव थैंक यू आदिति सो मच मनोहारी चाय है है ना एकदम इतनी मनोहर नाम में ही मनोहारी है तो मतलब मनोहारी चाय जो है भाई सत्तर हजार अस्सी हज़ार रुपये पर किलो मिलती है तो आसाम अगर हम अगली बार आएंगे तो हमको पिला देना आप ये वाली चाय बट नहीं आप सिंपल चाय भी पिलाओगे तो अच्छी हो जाएगी बिकॉज चाय तो चाय होती है ना क्या महंगी क्या सस्ती चाय का कुछ दाम नहीं होता चाय इतनी अनमोल चीज है चलिए लेट्स मूव टू द मेन सेशन जल्दी से आ जाइए जो बच्चे अभी नहीं आए प्लीज एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है ताकि बच्चों को पता चल जाए ओके द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज ये जो शुरुआत के चार पांच क्वेश्चन है ये बहुत जनरल करंट अफेयर बेस्ड है ठीक है करंट अफेयर इन द सेंस जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इन आईसीटी पहला क्वेश्चन एन आर्टिफिशियल कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन और रिक्रिएशन ऑफ अ रियल लाइफ एनवायरनमेंट और सिचुएशन इज नोन एज व्हाट एक कृत्रिम कंप्यूटर जनित अनुकरण या वास्तविक जीवन के वातावरण या स्थिति का मनोरंजन निम्न के रूप से क्या जाना जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी क्रिएटिव कॉमन्स जल्दी बताओ सो दिस थिंग वी हैव डन मैंने जब आपको क्लासरूम में पढ़ाया था तो मैंने ए आई वी आर ए आर सब कुछ पढ़ाया है राइट आई एम श्योर द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास मस्ट बी नोइंग दैट तो आपको बताना है रिक्रिएशन ऑफ अ रियल लाइफ एनवायरमेंट प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा हम रियल लाइफ एनवायरमेंट का रिक्रिएशन करते हैं मान लीजिए आपको आ, मैं आपको अर्थ का स्ट्रक्चर समझा रही हूँ ठीक है और मैं आपको उसको रिक्रिएट करके बता रही हूँ फॉर एक्साम्पल मैं आपको स्पेस समझा रही हूँ स्पेस में ऐसा है आर द लेयर्स एंड आई हैव दैट होल थिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू आप उसको देख पा रहे हो अच्छा ये ऐसा है ये ऐसा है एग्जैक्टली द आंसर इज वर्चुअल रियालिटी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होती है जिसमें सिम्यूलेटेड सिम्यूलेशन होता है कंप्यूटर सिम्यूलेशन होता है डिजिटल रिक्रिएशन होता है रियल वर्ल्ड का तो अगर मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि एमेजन रेन फॉरेस्ट ऐसे होते हैं आपको पता है एमेजन के जंगल ऐसे हैं उसमें ये पेड़ मिलते हैं तो प्रभाव लीव वॉट आई कैन डू आई कैन रिक्रिएट द एंटायर एमेजन रेन फॉरेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू यू कैन गो यू कैन सी एंड यू कैन फील लाइक योर स्टैंडिंग राइट इन मिड ऑफ द एमेजन रेन फॉरेस्ट ठीक है हाँ बिल्कुल सो ऐसे थोड़ा सा सोचा करो ये एजुकेशन में बहुत यूज होता है इसके लिए आपको इस स्पेशल टाइप के गॉगल्स पहनने पड़ते हैं ना चश्मे एकदम नहीं काला चश्मा नहीं ये एक प्रकार का चश्मा है जिसको आप पहनोगे तो आपको अलग ही दुनिया दिखेगी ऐसा लगेगा ये रूम में बैठे हो और मैंने आपको कुछ समझाया स्पेस तो आपको सामने स्पेस शिप प्लान तो प्रोबेबली एवरीथिंग कुड बी सीन बिकॉज ऑफ दिस तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल रियालिटी आई मीन इट्स पॉसिबल कि वर्चुअल दुनिया जो जो सामने नहीं है बट उसको भी आप अपनी रियल दुनिया में देख पाते हो ठीक है एनी डाउट हाँ स्क्रीन क्लियर नहीं है तो भैया रेजोल्यूशन चेंज करो दिख जाएगा ठीक है हाँ जैसे देखो थ्री डी फोर डी थिएटर में जाते हो तो वो चश्मे दे देते हैं और फिर ऐसा फील होता है कि पानी आ रहा है पैरों पे है ना और सामने भी थ्री डी चल रहा है तो दिस इज योर वी आर वी आर इज डिफरेंट फ्रॉम थ्री डी बट मेक श्योर रिमेंबर दैट इट्स नॉट सेफ ओके सो हेयर यू कैन सी वी आर के हेडसेट आते हैं और हेड माउंटेड डिस्प्ले व्यूअर आते हैं जिसका नाम है

चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एन एनहेंस वर्जन ऑफ रियालिटी क्रिएटेड बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एड डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑन एन इमेज इज नोन एज तो एक एनहैंस वर्जन है एक छवि पर डिजिटल जानकारी जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा बनाई गई वास्तविकता का एक उन्नत संस्करण क्या कहलाया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी या क्रिएटिव कॉमन्स जल्दी से बताओ हाँ मतलब आप क्या कर रहे हो इनहेंस uh, वर्जन बता रहे हो एक नॉर्मल इमेज है उसका एक एनहेंस वर्जन आप सुपर इम्पोज कर रहे हो यस वेरी नाइस वेरी नाइस गूगल कार्डबोर्ड आ गया है हमारी शिफ्ट में ओके okay, सी मतलब ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ चुके हैं गूगल कार्डबोर्ड मतलब दे आर आस्किंग ए आर वी आर रिलेटेड क्वेश्चन सो मेक श्योर ये आप पढ़ के जाओ ठीक है बिल्कुल सही बात है इसका आंसर है सी ऑगमेंटेड रियालिटी ऑगमेंटेड मतलब एक सुपर इम्पोज ऑलरेडी एक रियालिटी है वास्तविकता है उस पर आप कुछ चीज ऑगमेंट कर रहे हो ये एक एनहैंस वर्जन होता है जिसमें हम क्या करते हैं किसी इमेज पे हम डिजिटल इंफॉर्मेशन को लेयर अप करते हैं ठीक है तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपने देखा आपको अपने घर में देखना है ये इमेज है आपका घर है आपको देखना है कि ये हरे कलर का सोफा कैसे लगेगा है ना यू आर एक्चुअली समथिंग दैट इज नॉट रियल ओवर एन इमेज जैसे जैसे क्या फॉर uh, एग्जाम्पल आपने देखा होगा अगर आप शॉपिंग कर रहे हो नायका पे है ना आपको ये ट्राई करना है कि ये वाला लिपस्टिक नॉट फॉर एवरी वन बट फॉर द गर्ल्स ये वाला लिपस्टिक शेड विल लुक यू नो गुड ऑन यू और नॉट आप अपना फोटो पे उस लिपस्टिक शेड को अप्लाई करोगे एंड यू विल प्रोबेबली सी और रादर अगर आप लेंसकार्ड पे चश्मे की शॉपिंग करते हो तो उसमें भी अपनी फोटो पे आप चश्मा ऊपर सुपर इंपोज करके देख सकते हो कि ये वाला फ्रेम मुझ पे कैसा लगेगा दिस इज कॉल्ड एज एन ऑगमेंटेड रियालिटी सो वर्चुअल रियालिटी और ऑगमेंटेड रियालिटी आर एक्चुअली डिफरेंट बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एनी डाउट एनी डाउट ठीक है सो दीज आर द न्यू कॉन्सेप्ट दैट यू शुड बी लेट्स मूव अब इसमें देखो आपका इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपने गेम के बारे में सुना होगा जिसका नाम था पोकीमोन गो फाइन सो अगर हम बात करें पोकीमोन गो में क्या था मोबाइल को आप देखोगे मोबाइल के कैमरे में आपके सामने ऐसा लगेगा कोई एक्चुअल में पोकीमोन है बट वो एक्चुअल में नहीं था डैट वॉज ऑगमेंटेड फाइन सो गूगल गूगल ग्लास ग्लास से आप यूज कर सकते हो आप देख सकते हो कि क्या ऑगमेंटेड रियालिटी है एंड देर आर डिफरेंट ए आर एप्सो ए आर और वी आर को अगर हम मिक्स करते हैं ऑगमेंटेड रियालिटी और वर्चुअल रियालिटी को तो एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं एम आर मिक्स रियालिटी फाइन सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है मिक्स रियालिटी सो ऑगमेंटेड रियालिटी वर्चुअल रियालिटी एंड मिक्स रियालिटी आपको ये तीनों पता होना चाहिए और उससे ज्यादा भी आपको क्या पता होना चाहिए अपनी रियालिटी मतलब बैड वन बट येस एक्चुअली अपनी सच्चाई भी पता होना चाहिए कि क्या रियल चीज चल रही है एग्जाम कैसा गया आगे क्या करना है अच्छा गया नहीं गया नहीं गया तो आगे फिर से प्रिपेयर करना है फाइन मूविंग फॉरवर्ड वेन सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर यूज फॉर एजुकेशनल पर्पज सच नेटवर्किंग इज कॉल्ड एज वॉट जब आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स को एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं एजुकेशनल सोशल नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल बुक मार्किंग या क्लाउड कंप्यूटिंग यस जल्दी बताओ। ओके। एजुकेशनल सोशल नेटवर्किंग फाइन फाइन चलो सो so, इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या है इसका आंसर द आंसर इज ए यस सो सोशल मीडिया एंड एजुकेशन इज एक्चुअली प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ठीक है मान लीजिए आजकल आप देख रहे हैं फेसबुक पे ट्विटर पे आजकल इंस्टाग्राम पे भी रील्स के थ्रू लोग एजुकेट uh, कर रहे हैं ठीक है दे आर जस्ट मेकिंग अ रील एंड ट्राइंग टू एजुकेट सो इट्स मोर अबाउट कोऑर्डिनेशन इंटरलिंकिंग ऑफ सोशल मीडिया विथ एजुकेशन ठीक है हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गूगल डॉक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट जो गूगल डॉक्स आप सब यूज करते हो गए शायद है ना ड्राइव डॉक्स ये सब ये किसका एग्जाम्पल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्लाउड कंप्यूटिंग सोशल मीडिया लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल्दी बताओ ये पुराना क्वेश्चन है हम इसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं गूगल डॉक किसका एग्जाम्पल है क्विकली जल्दी आंसर दोगे तो हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कम समय में ओके ओके यस इट्स एन एग्जाम्पल क्लियरली इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाउड क्या होता है क्लाउड एक बेसिकली एक सर्वर है मतलब यू डोंट हैव टू मेंटेन योर फिजिकल सर्वर्स आप किसी भी कंपनी का क्लाउड को यू कैन टेक इट ऑन द यू नो पेइंग बेसिस आप उसको पैसा दोगे वो कंपनी आपका पूरा डेटा मेंटेन करेगी Amazon वेब सर्विस माइक्रोसॉफ्ट Azure all ऑल दीज आर द of ऑफ क्लाउड सो गूगल डॉक्स क्या है ये फ्री क्लाउड सर्विस है जिसमें आप टेक्स को सेव कर सकते हो फाइन सो so, आपको सॉफ्टवेयर कोई परचेज नहीं करना पड़ेगा राधर यू कैन एक्सेस द डॉक्यूमेंट यू कैन एडिट इट एंड यू कैन स्टोर इट क्लियर एनी डाउट स्टोरेज को हम बोलते हैं क्लाउड चलिए सो ये सारा कुछ था रिसेंट अपडेट uh, से रिलेटेड समथिंग दैट इज करंटली गोइंग अब हम जाते हैं जो हमारे पके पकाए हमारे आ, हमेशा वाले सदाबहार टॉपिक्स हैं आई सी टी में अगेन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड वाइड वेब इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपको बताना है जो डब्ल्यू 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 है वो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल नहीं है सेकेंड स्टेटमेंट एफ टी पी इज अ सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट आपको बताना है कि एफ एक सर्विस है जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है यस सो आई विल बी टेलिंग यू द हिंदी वर्जन ऑफ इट जल्दी से हिंदी देखो वॉइस टक हो रहा है एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लो प्लीज नेटवर्क से तो दिक्कत नहीं है बिकॉज मैं तो बराबर अच्छे से बोल रही हूं चलो फाइन सो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग सी मतलब ए असत्य है है ठीक तो बिल्कुल सही बात है क्लाइंट सर्वर मॉडल अब आपसे क्या पूछा है डब्ल्यू डब्ल्यू इज नॉट एन एग्जांपल अरे इट इज एन एग्जांपल क्लाइंट सर्वर मतलब डब्ल्यू 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 क्या है जो आपका इंटरनेट है आप किसी भी वेब पेज का रिक्वेस्ट करते हो आप क्या कहलाए जाते हो क्लाइंट मान लीजिए आपने बाइडूस को एक्सेस करना चाह वेबसाइट एंड यू एक्सेस्ट यू आर अ क्लाइंट हेयर और आपको सर्वर से आपका रिक्वेस्ट मिलेगा फाइन सो so, बिल्कुल आ, ये है इट्स नॉट एन एग्जांपल गलत है और एफ अ सर्विस अवेलेबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपने नाम सुना होगा ठीक है सो so, क्या है एफ टी पी एफ एज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये टी सी पी आई पी पे काम करता है और क्लाइंट्स के बीच में क्लाइंट सर्वर के बीच में आप फाइल्स को भेज सकते हो एक और इसका वर्जन होता है जिसको हम बोलते हैं टी एफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लियर चलो टेनजिन प्लीज दोबारा से वीडियो देख लेना लेनामोरी अब एक क्वेश्चन जो पका पकाया आता है वो आपकी मेमोरी से मेमोरी डिवाइसेस से मेमोरी यूनिट से आता ही आता है है ना तो ये आपको फिर से देख के जाना इनकेस अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है असेंडिंग Ascending Ascending, मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़ा ठीक है आपको अरेंज करना है मेमोरी में एम बी के बी जी बी टी बी बहुत आसान है जल्दी से आंसर करो मैम ये तो अब एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा करो है ना हमारी तौहीन है हम इतना पढ़ के बैठे हैं और आप हमसे ये वाले सवाल पूछ रहे हो क्या है ये यस ओके सो दिस क्वेश्चन इज डी सबसे पहले के आता है याद है बाइट्स फर्स्ट इज ऑफकोर्स बिट्स बिट्स होता है जीरो एंड वन देन यू हैव बाइट्स ठीक है बाइट्स के बाद आपका निबल भी होता है देन यू हैव किलो बाई देन यू हैव मेगा गीगा टीबी सो आई वेंट टू एम जी रोड टू बाई पिज्जा यू नो द एंटायर है ये टू बाय पिज्जा एंड यू हैव द एग्जा जेटा योटा ऑल दीज ब्रोंटो ब्रोंटो भी एक यूनिट है आप इसको याद रखना ब्रोंटो एंड जियोप ये हमने पढ़ा है ये एकदम लास्ट में आते हैं क्लियर चलो 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 गिवन बिलो टू स्टेटमेंट प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी रैम इज अ रीड राइट मेमोरी तो हम जो प्रिंटेड आउटपुट लेते हैं कंप्यूटर से तो उसको हम क्या सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं और रैम क्या एक रीड और राइट मेमोरी है प्लीज क्विकली नाव आई गेस यू डोंट नीड दैट मच टाइम आई सी टी इज एक्चुअली आवर फोटे नाउ हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ओके सो आई एम गेटिंग द आंसर्स लेट सी दिंदी ट्रांसलेशन ऑफ इट क्विकलीके वेरी नाइस तो so, बिल्कुल सही बात है ये तो मतलब बच्चों को भी पता होगा और आप तो बच्चे नहीं आप बड़े हो गए पढ़ते पढ़ते प्रिंटेड आउटपुट को हम हार्ड कॉपी बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी तो डॉक्यूमेंट है जो कि सेव्ड होता है कंप्यूटर पे और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है रैंडम एक्सेस मेमोरी ये वॉलिटाइल मेमोरी है इसमें आप रीड भी कर सकते हो उसमें आप राइट भी कर सकते हो इसको हम एक्टिव वर्किंग मेमोरी बोलते हैं कंप्यूटर की और इसमें डेटा जैसे ही पावर ऑफ होता है डेटा उड़ जाता है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए जल्दी से दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं एक और वैसे ही क्वेश्चन है आपको साइज के हिसाब से स्टोरेज यूनिट अरेंज करना है टेरा पेटा एक्जा जेटा पेटा एक्सा जेटा टेरा सो ये थोड़े से हायर वाले यूनिट्स हैं क्विकली जल्दी से मुझे अरेंज करके बताओ यस yes. सो so, सबसे बड़ा कौन सा है एंड सबसे छोटा कौन सा है ओके चलिए सो फाइन फाइन चलो आई विल आई विल टेल यू द आंसर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज येस ए मतलब अगर हम उसको अरेंज करेंगे तो सबसे ऊपर जेटा होगा पिज्जा पिज्जा मैंने अभी आपने बोला आई वेंट टू एम जी रोड टू बाय पिज्जा पिज्जा में क्या है पी ई जेड और so, टू by पिजा तो टेरा पहले आएगा है ना बिट बाइट किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एग्जा zeta और योटा उसके बाद bronto और जियो ठीक है एनी डाउट बहुत आसान क्वेश्चन था प्लीज ऐसे क्वेश्चन गलत करके मत आना अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो विच of द फॉलोइंग डिवाइज अलाउज अ यूजर टू कॉपी एन एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट एंड सेव इट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन टू computer? तो आप क्या ये आप एक और कैटेगरी है जिसका नाम है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस राइट दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो क्या है यूजर को अलाउ करती है टू कॉपी एन एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट एंड सेव इट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म स्पैमर प्रिंटर स्कैनर या प्लॉटर ओके okay. वेरी इजी वेरी सिंपल इस उपकरण को जी हम बोलते हैं स्कैनर क्योंकि स्कैनर आपने कभी ना कभी स्कैन अपनी फोटो अपने डॉक्यूमेंट्स अपना सिग्नेचर uh, ऑटोग्राफ तो नहीं बोलूँगी मैं उसको स्कैन करवाया होगा तो ये हार्ड कॉपी से क्या हो जाता है इट्स कन्वर्टेड इन द डिजिटल फॉर्मेट और ये कंप्यूटर में सेव हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द एजुकेशनल वेब रेडियो ऑफ इंडिया एंड फॉर यूजिंग ऑडियो स्ट्रीमिंग इन एजुकेशन नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईसी जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और ये आपका शिक्षा से रिलेटेड है तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है राइट सो एजुकेशनल वेब रेडियो ऑफ इंडिया भारतीय एजुकेशन एफ एम स्टडी इंडिया मुक्त वा, विद्यावाहिनी एनआईओ एस वाणी यस yes. क्विकली क्विकली जल्दी से आंसर बताओ हमें आ, पूरे पच्चीस से तीस क्वेश्चन करने हैं बी <coughs> और ए आंसर आ रहा है चलो तो आंसर इसका देखते हैं बिल्कुल बी है मुक्त विद्यावाणीज एंड एजुकेशनल वेब रेडियो ऑफ इंडिया और एनआईओ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का है <coughs> ये 2012 में लॉन्च हुआ था प्लीज इसको याद रखना ठीक है सो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी और वोकेशनल स्ट्रीम्स ऑफ एन जो भी कोर्स मटेरियल है उसमें स्ट्रीम होता है बहुत इंपॉर्टेंट है चलो द फॉलोइंग इज द नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग प्राइवेट डॉक्यूमेंट ऑन इनक्रप्शन थ्रू द इंटरनेट कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज करते हो जब आपको प्राइवेट डॉक्यूमेंट भेजना होता है ठीक है और आप क्या यूज करते हो इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन भैया इंक्रिप्शन क्या होता है तुमको पता होगा इंक्रिप्ट करते हो डॉक्यूमेंट को एक की होती है पब्लिक की हो सकती है प्राइवेट की हो सकती है उधर जाता है वो डिक्रिप्ट होता है तो इससे भी दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता ही आता है अच्छा अच्छा ये तुम लोग में इतनी एकता जो है ना भयंकर वाली एकता है भाई सब 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 एक ही आंसर दोगे सब ने अगर एस एम टी पी बोला तो सब लाइन से बोलोगे मतलब मैम हमें अपने आप से ज्यादा हमारे सहपाठियों पे विश्वास है मैम यही तो सही इनको ये तो पक्का पढ़ते होंगे है ना नहीं इट इज़ नॉट एस एम टी पी एस एम टी पी इज़ अ प्रोटोकॉल जो मेल्स में यूज़ होता है मेल में क्लाइंट सर्वस के बीच में एस एम टी पी को यूज़ करके मेल्स uh, भेजे जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे आप भी गलत हो आपके सहपाठी भी गलत हैं सब एक ही एक जैसे बुद्धू वाली मिस्टेक्स करते हो एस एम टी पी और पॉप इस बार ये क्वेश्चन आया था सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पॉप क्या करता है जो ईमेल है वो आपके क्लाइंट में भी सेव कर देता है उसकी कॉपी बट एस एम टी पी क्लाइंट में वो ई मेल सेव नहीं करता इट जस्ट द द मेल टू क्लाइंट ठीक है और ये है सिक्योर सॉकेट लेयर लेयर क्या है सिक्योर सॉकेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम में सिक्योर है ये इंक्रिप्शन करती है प्राइवेट फाइल्स का कम्युनिकेशन करने के लिए एफ टीपी आपको पता है टी एफ टीपी भी आपको पता है ट्रांसफरिंग फाइल क्लियर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ऐसे ही ऐसे ही विश्वास करते रहो पर बेटा बोला है अपने आप पे ज़्यादा विश्वास करो है ना अपनी जो मेहनत करी है कभी पढ़े हो ऐसे आँख मूछ के तुक्के मत लगाओ पड़ोसी का देखकर ठीक है पड़ोसी कितना होशियार है तुमको नहीं पता है वो क्या एग्जाम में करके आया है करके आने वाला है ये भी तुमको नहीं पता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर द एबिलिटी टू ब्लॉक सस्पिशियस पैकेज इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी अब अगर आपको कोई ब्लॉक करना है पैकेट कोई संदिग्ध है ठीक है सस्पिशियस है तो उसको आप क्या बोलते हो बूटिंग सफारी फायरवॉल या डीपीआई चलो अब बिना पड़ोसी की मदद लिए इसका आंसर को सही जल्दी से जवाब दे दो बिल्कुल नकल के लिए भी अकल चाहिए एक थाली के चट्टे बट्टे अपने आप को इतने अच्छे से जानते हो आप लोग कि अपने मुझे बोलने की जरूरत नहीं है अपनी तारीफ में इतना कुछ बोल रहे हो कितने प्यारे सच्चे बच्चे हो यस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सर्टनली फायर वॉल इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फायर वॉल में हम ब्लॉक करते हैं सस्पिशियस पैकेज एंड एक प्रकार का बैरियर है या आपका बाहर का इंटरनेट है दिस इज योर ओन नेटवर्क यहाँ पे यू कैन इंस्टॉल अ फायरवॉल जो कि आपके पैकेज ड्रॉप करेगा इनकेस अगर कुछ ब्लॉक करना है सस्पिशियस है तो इट विल डू दैट बूटिंग क्या होता है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ठीक है हार्ड बूट सॉफ्ट बूट हमने उसमें पढ़ा है बायोएस और रोम चिप इससे रिलेटेड है सफारी एक ब्राउजर है अगर आप ऐप यूज करते हो राइट एंड डी पी आई इज डॉट्स पर इंच ये किसके रिस्पेक्ट uh, में यूज होता है प्रिंटर्स के डीपीआई डी पी आई क्या है डॉट्स पर इंच क्लियर एनी डाउट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट डिवाइस तो आपको बताना क्या ये सारे की बोर्ड के टाइप है और क्या डिजिटाइजर को हम ग्राफिकल टैबलेट भी बोलते हैं जल्दी से आंसर करो हाँ जी सो नाइन्थ क्वेश्चन इन द सेकेंड शिफ्ट मीन वो हम करंट वाला तो रिसेंट टेक्नोलॉजी uh, वाले क्वेश्चन को हम अलग से पांच कर चुके हैं तो टेक्निकली ये हम अभी पंद्रह ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लेंगे ओके okay, सो so, क्या बात है मैम ये तो हमको रट गया है मैम यहाँ आप हमें बुद्धू नहीं बना सकती ये तो हमें रट गया है बिल्कुल सही बात है बी इज द राइट आंसर क्योंकि मैम आखिरी वाला नहीं है कीबोर्ड ठीक है सो डिजिटाइजर बिल्कुल होता है ग्राफिकल टैबलेट ये डिजिटाइजर है जिसको हम यूज कर रहे हैं कुछ भी आपको यहाँ पे लिखने के लिए उसको हम ग्राफिक टैबलेट भी बोलते हैं <coughs> बहुत बढ़िया इन अ कंप्यूटर नेटवर्किंग एच टी टीपी टू अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल एज सर्वर्स डू नॉट में पास क्लाइंट रिक्वेस्ट एच टी टी पी से मतलब क्या है अगेन अ फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन अब्रीवियेशन है आप कर चुके हो फाइन सो एच का मतलब क्या है ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल क्योंकि सर्वर जो है पुराना स्टेट मेंटेन नहीं करते हैं यस वेरी नाइस वेरी इजी क्वेश्चन ये तो सबको ही आता है हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर एच अगर एस होगा HTTPS, टी टी पी एस तो ये होता है सिक्योर तो ये सिक्योर है मतलब इट्स मोर ऑफ अ सिक्योर प्रोटोकॉल हाँ जी चलो इफ द बाइनरी इक्वलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर फिफ्टी थ्री इज देन द बाइनरी ऑफ द डेसिमल नंबर फिफ्टी इज गिवन गिवेन बाई वी थ्री का बाइनरी ये है तो फिफ्टी का बाइनरी क्या होगा या तो इसमें से आप तीन माइनस कर दो या तो आप सिंपल फिफ्टी का बाइनरी सॉल्व करो निकालो कैसे लॉन्ग डिविजन मेथड से आप सबको आता होगा है ना जल्दी से मुझे इलेवेंथ का आंसर दो इलेवेंथ का आंसर दो वॉट इज द आंसर फॉर इलेवेंथ क्वेश्चन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है आपके आईसीटी में वो है नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम से इस बार भी बहुत सी शिफ्ट में क्वेश्चन देखे गए हैं स्पेशली बाइनरी डेसिमल हेग्जा डेसिमल ऑक्टल ऑल दीज अनप्लग म्यूजिक बिल्कुल आपको रिकॉर्डेड क्लास नहीं आपको यहीं पे क्लास मिल जाएगी जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो आप देख सकते हो आंसर इज सर्टनली बी ठीक है तो 50 को अगर आप सॉल्व करोगे लॉन्ग डिवीजन से तो टू से कीप ऑन डिवाइडिंग साइमल्टेनियोटली डिवाइड होता है तो जीरो आएगा 25 क्या दो के टेबल में 25 आता है नहीं 24 आता है 12 तो ये रिमाइंडर वन हो जाएगा दो के टेबल में 12 आता है हाँ आता है छिमाइंडर जीरो दो के टेबल में छ आता है हाँ आता है तीन जीरो दो के टेबल में तीन आता है नहीं आता वन आता है रिमाइंडर ये तो so, क्या हो जाएगा वन वन जीरो जीरो क्या है यहाँ पे क्या है यहाँ पे यस वन वन जीरो जीरो वन जीरो आ गया ठीक है यस yes. ऑल्सो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं अगर आपके आंसर सेम टाइप हो अगर आप दो बार भी करोगे तो वन जीरो आ जाएगा और यहाँ पे आप देखोगे तो ये तीनों आंसर कैंसिल आउट हो जाएंगे सो हेयर इन दिस केस यू हैव टू डू द स्मार्ट वर्क पूरा डिवाइड करते मत बैठ जाना कि नहीं अब तो 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 हमने सीखा है हम तो पूरा करके जाएंगे भली दुनिया इधर से उधर हो जाए हमें तो मैडम ने बोला कि जब तक तक ना आए तब तक मत करना है ना लास्ट तक नहीं अगर आपको लग रहा है बाकी के ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट हो रहे हैं वन जीरो आपको मिल गया है तो देन यू कैन एक्चुअली गो विद द आंसर ठीक है तो जज्बात को प्लीज घर पे रख के जाना जब भी एग्जाम देने जाते हो ना ईगो जज्बात सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल ये सारे घर पे छोड़ के जाया करो एकदम अपना नन्ना अपना प्यारा सा दिमाग लेके जाओ और एकदम अच्छे से सरल दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व किया करो ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्रीवल इन ई मेल इज वॉट आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन निकालना है ई मेल्स में तो कहाँ से निकालते हो कौन सा सबसे कन्वीनियंट प्लेस है एड्रेस बॉक्स मैसेज बॉक्स एड्रेस बुक या मैसेज बुक जल्दी बताओ स वेरी नाइस वेरी नाइस ओके 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 सी 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 मैम ये कौन सा क्वेश्चन है मैम प्लीज हटाओ इसको बहुत आसान क्वेश्चन है द आंसर इज येस एड्रेस बुक या नेम और एड्रेस बुक जिसमें हम कॉन्टेक्ट सेव करते हैं वेरी नाइस डीएनएस का फुल फॉर्म बता दो जल्दी से बहुत आसान क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है कर ही चुके होंगे बहुत बार डीएनएस का फुल फॉर्म हाँ दो तीन क्वेश्चन बचे हैं जल्दी से आंसर दो बाय ट्वेल्व फोर्टी फोर्टी फाइव विल बी डन विद द क्लास लास्ट में हम आपसे होमवर्क पूछेंगे तो प्लीज बने रहिए अब थोड़ा सा क्योंकि एग्जाम बहुत बच्चों के हो गए हैं तो अब समय है कुछ नया सीखने का तो हर क्लास के लास्ट में हम आपसे होमवर्क क्वेश्चन पूछा करेंगे तीन जो कि कही कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे करंट इवेंट से और डाटा रिलेटेड टू योर टेक्स्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस एज वेल ठीक है तो प्लीज लास्ट तक बने रहना और इसका बिल्कुल आंसर है डोमेन नेम सिस्टम एक फोन बुक होती है इंटरनेट की आपको डोमेन नेम सर्व कर सर्च uh, करना है सो इट एक्चुअली इट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द डोमेन नेम्स एंड यू कैन एक्चुअली गेट इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग चलो वॉट इज द बाइनरी इक्वेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर सेवेंटी फाइव आ जाओ फिर से मैदान में इसको आपको क्या करना है बाइनरी इक्वलेंट बताना है फिर से शायद आपका ट्रिक काम आ जाएगा डिवाइड करो टू से और मुझे जल्दी से बताओ फोर्टीन का आंसर हाँ जिसका एग्जाम नहीं हुआ है बहुत ही लाजमी सी बात है कि आप ही लोग वो सेशन अटेंड कर रहे होगे जिनका एग्जाम हो गया वो क्यों ही आ, हमारा यू you नो know, सेशन बार बार देखेंगे बट इन केस यू आर वॉचिंग आई एम रियली थैंकफुल टू यू बट येस जस्ट इन केस नहीं हुआ है तो ओके वेरी नाइस वेरी नाइस सो यू मस्ट हैव डिवाइडेड ओके चलो तो सबको लग रहा है डी तो मतलब वन वन आ गया भैया तुम्हारा पहले ही तो बहुत बढ़िया है सेवेंटी फाइव को टू से डिवाइड किए हो है ना और इसके बाद आपका रिमाइंडर यहाँ पे भी वन आया होगा फिर यहाँ पे भी वन आया होगा तो आपने देख लिया होगा लास्ट में वन वन किसका है तो इसी का है तो डी लिख दिया ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना ठीक है एग्जामिनेशन में फिर से पूरा नहीं करना है आपको स्टेप्स इंजीनियरिंग या हम ग्रेजुएशन थोड़ी कर रहे हैं कि हमें स्टेप्स के मार्क मिलेंगे मैम आंसर गलत है स्टेप के मार्क मिल जाएंगे क्या है ना हम ऐसे दसवीं बारहवीं में और इंजीनियरिंग में मैम्स को बोलते थे यहाँ पर कोई किसी को मतलब नहीं है यहाँ पे सिर्फ आंसर से मतलब है ठीक है चलो एन आई सी स्टैंड फॉर नेटवर्क इंफॉर्मेशन कार्ड इट कैन सपोर्ट अ ट्रांसफर रेट ऑफ टेन वन जीरो टू हंड्रेड टू थाउजेंड मेगा बिट पर सेकेंड जल्दी बताओ एन से रिलेटेड क्वेश्चन है एन क्या है और उसका डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मिस्टर पटनायक दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू आई होप आई लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन इन द कमिंग क्लासेज एज वेल बाई ब्रिंगिंग न्यू इन्फॉर्मेशन आई नो अभी काफी ज्यादा थोड़ा सा लैग हो गया है इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स एंड ऑल बट प्लीज बी अश्योर आई विल बी बैक ऑन ट्रैक ब्रिंगिंग मोर सच यू इसके लिए मुझे आपका भी एक हेल्प चाहिए आई video जिसमें मैं आपसे पूछूंगी कि आपको क्या चाहिए information. जो भी आपको चाहिए प्लीज मुझे जरूर बताइएगा राइट ओके द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफकोर्स सॉरी हिंदी में एक बार देख लो हाँ हिंदी में देख लो चलो सो so, सबको डी लग रहा है टीम स्कॉलर को भी डी लग रहा है स्कॉलर जी ने बोल दिया तो डी ही होगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है बिल्कुल तो ये इंफॉर्मेशन कार्ड नहीं होता इट्स एन इंटरफेस कार्ड एन कार्ड अगर आपको नेटवर्क से कनेक्ट होना है आपके कंप्यूटर को तो उसमें एन कार्ड होना ही चाहिए राइट एंड डेटा ट्रेन ट्रांसफर रेट बिल्कुल सही दिया है चलो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है आपके सिलेबस uh, में हार्डवेयर डिवाइसेस या यू कैन कॉल एज नेटवर्किंग डिवाइसेस जिसमें आपको पढ़ना पता है स्विचेस राउटर्स मॉडर्म्स ईथरनेट ये सब क्या होता है तो मुझे मैच करके बताओ जल्दी से मैम यू आज ब्रिलियंट क्वेश्चन ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच प्लीज डू जॉइन अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट ग्रुप I mean, yeah, the question level is little higher on that group because I want you to be prepared for a more, uh, you know, broader level rather than just UGC NET level. Okay, not visible. तो थोड़ा सा zoom zoom in कर लो please, थोड़ा सा zoom करके देख लो। बिल्कुल हो जाएगा unplug music, बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा रिविजन रिविजन करना पड़ेगा बट हो जाएगा ओके मोस्ट ऑफ यू आर एज डी ये करेक्ट आंसर बिकॉज ए स्विच राउटर अगर मैं बात करूं जस्ट अ सेकेंड हाँ तो स्विच क्या है इट्स हार्डवेयर डिवाइस जो कि क्या करता है काफी सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है ये एक प्रकार का स्विच है ठीक है और ये डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड करता है तो इससे स्पीड बढ़ जाती है डेटा ट्रांसफ़र की राउटर क्या है राउटर राउटर इज समथिंग दैट यू यूज ऑन अ नेटवर्क लेयर लेयर थ्री पे भी आप इसको यूज़ करते हो क्योंकि जब आप इंटरनेट से जुड़ते हो तो राउटिंग का काम डेटा पैकेट्स जो होते हैं कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं कौन से एड्रेस से फ्रॉम सोर्स डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन एंड राउटिंग मतलब क्या है द बेस्ट पॉसिबल पाथ द बेस्ट पाथ इज चूज इन बाय द राउटर ताकि आपके डेटा पैकेट पहुंच जाए फाइन मॉडर्म क्या होता है मॉड्यूलेटर डी मोड्यूलेटर ये काम क्या करता है इट कन्वर्ट एनोलॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड अगेन इट ड वर्सा पार्ट इट कन्वर्ट द डिजिटल टू द एनोलॉग सिग्नल तो ये मॉडर्म है केबल इज द ट्रांसमिशन मीडियम इस बार एग्जामिनेशन में इथरनेट भी पूछा था इथरनेट क्या है एट जीरो टू पॉइंट थ्री एंड एट जीरो टू पॉइंट वन वन ठीक है ये आपका वाईफाई होता है रिपीटर क्या होता है देखो रिपीटर इज समथिंग दैट इज जस्ट बूस्टिंग अप द सिग्नल है ना जो सिग्नल ट्रेवल करके वीक हो जाता है रिपीटर उसको एड ऑन करके बूस्टअप करता है रिपीटर आपने लैपटॉप में आप छोटा सा एक रिपीटर लगा सकते हैं तो जो सिग्नल आएंगे वो बूस्टअप हो जाएंगे बाय द टाइम दे विल रीच यू स्विच क्या है स्विच एक लेयर टू डिवाइस है ये एक ऐसा आपने स्विच देखा होगा अगर आपने कभी सिस्को uh, का स्विच देखा है अवाया का स्विचेस देखा है ठीक है आई यूज टू वर्क इन दैट कंपनी टू ईयर्स तो मैंने अवाया स्विचेस में काम किया है राइट right? स्विचेस क्या होते हैं यू कैन कनेक्ट योर डिवाइजेज थ्रू अ स्विच सो एक प्रकार का ये डेटा पहुंचाने का काम करता है ठीक है इसमें इतना जनरली इसमें राउटिंग नहीं होती राउटिंग इज यूजली डन इन योर राउटर्स राउटर्स में आपके प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं जैसे आर आई पी है ना बीजीपी बॉर्डर गेट वे प्रोटोकॉल ओ एसपीएफ ओपन सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आई गैस या दैट वॉज इट सो वी डेड दीज सिक्सटीन क्वेश्चन डैट वी सोल्व एंड इंक्लूडिंग दोज फाइव सो वी सॉल्व अराउंड ट्वेंटी प्लस क्वेश्चन इन दिस क्लास एनी डाउट एनी वन किसी को कोई भी डाउट है आप लोग की स्पीड तो काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि आई सी टी अब हमारे कंट्रोल में आ गया है ना और यही कुछ टॉपिक्स हैं अगर आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो प्लीज़ मेमोरी डिवाइस देख के जाना नंबर सिस्टम को रिवाइज करके जाना मेमोरी यूनिट्स देख के जाना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देख के जाना आईसीटी में अब्रीविएशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं देख के जाना लेटेस्ट ट्रेंड मतलब क्या क्या है आईओटी एआर वीआर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको देख के जाना ये पके पकाएँ समथिंग कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्कीम्स सो स्कीम्स ज़रूर देख के जाना ऐसी कोई स्कीम जिसमें आई का यूज़ हो रहा है कुछ क्वेश्चंस ऐसे देख के जाना जैसे कि आपके कॉन्सेप्ट हैं ई गवर्नेंस से रिलेटेड तो आईसीटी उसमें आ जाता है जैसे डिजिटल डिवाइड क्या होता है ये सारी चीजें फाइन सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ठीक है यू कैन सर्च मी टेलीग्राम पे ऑफ कोर्स बाय माय नेम आल्सो तोशिबा शुक्ला फाइन सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू विश टू जॉइन इट्स अ मोर ऑफ अ जनरल क्या बोलते हैं चैनल नॉट ओनली स्पेसिफिक टू यूजीसी नेट प्रिपरेशन चलो सो थैंक यू सो मच गाइज एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक लाइक like और शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लेना इट्स बिकॉज ऑफ फ्यू गाइज दैट वी हैव रीच टू दिसल स्टोन एंड वी विश टू इंक्रीज द नंबर इन फ्यूचर इज वेल आई होप यू लाइक डिट और हाँ जाते, जाते जाते जैसे मैंने बोला था होमवर्क क्वेश्चन कैसे भूल सकती हूँ तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है एक आपको बताना है रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हज़ार अटल टिंकरिंग लैब्स खोले हैं अनाउंस किए हैं कि दे विल बी थाउजेंड अटल टिंकरिंग लैब्स ये कहाँ पे कौन से स्टेट में खुलेगा ठीक है यू हैव टू टेल इन विच स्टेट थाउजेंड अटल टिंकरिंग लैब्स विल बी ओपन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक ऐप डेवलप करी है ठीक है जिसको हमने जिसमें हमने बोला है कि पांच मिनट का योगा ब्रेक सारे एम्प्लॉयज को लेना पड़ेगा ठीक है वाई ब्रेक ऐप करके है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने किया इट इज डेवलप्ड बाय विच पर्टिकुलर मिनिस्ट्री और इट एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री फाइन थर्ड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है कि रिसेंटली कौन सा कंट्री कौन सा देश पेपरलेस हो गया है ठीक है और यू कैन से विच सिटी और विच कंट्री हैव गॉन कंप्लीटली पेपरलेस ठीक है इसमें एक और बहुत अभी इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था दैट वॉज रिलेटेड टू द वर्क वीक ठीक है तो मुझे जल्दी से बताओ थाउजेंड अटल टिंकरिंग लैब्स ब्रेक योगा ऐप किस मिनिस्ट्री ने की है और कौन सा शहर किस देश में टोटल पेपरलेस हो गया है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव फॉर योर ऑफकोर्स योर इन्वायरमेंट एज वेल ठीक है सो so प्लीज़ मुझे जल्दी से बताना डाउट से जितने भी तीन ये क्वेश्चन हैं कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताना आई वॉन्ट नाउ द इंटरैक्शन एंड पार्टिसिपेशन टू बी मोर फ्रॉम योर साइड लेट्स मेक दिस सेशन अ सक्सेस एंड इवन मोर होल क्लियर वेरी नाइस तो सबने आंसर यहाँ पे तो दे दिया जो बच्चे बाद में क्लास देखेंगे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना और चीटिंग मत करना ठीक है आता है तो बताना नहीं तो कोई बात नहीं पढ़ लेना इनके बारे में चलो सो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच लेट्स मीट सून वेरी सून हम फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते जब तक पढ़ते रहिएगा और बीच बीच में और वीडियोस भी आते रहेंगे बी स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ सी यू सून बाय बाय